देखो, मिश्र धन याद कीजिए। जब ब्याज की गणना प्रतिवर्ष की जाती है, प्रतिवर्ष यानी कि एक वर्ष 7500 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से, 7500 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 6% का वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि जैसे कि कर्जा वर्जा लेता है ना, 5% 2%, 5 रुपया सैकड़ा में, बस वही है, इस सैकड़ा में 6 रुपया, वही निकालना है कितना होगा 2 वर्ष के लिए। तो मूलधन को किससे सूचित करते हैं? मूलधन मूलधन को पी से, तो पी बराबर क्या हो गया 7500। उसके बाद समय, समय को पैसे टी से, टी बराबर के समय कितना हो गया 2 वर्ष। दो और दर को आर कितना है 6%। और निकालना है क्या मिश्र धन, इसको किसे सूचित करते हैं? ऐसे ये वाट सूत्र बोलो, ए बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर आर बटे 100 पावर समय। पी कितना है 7500 गुना 1 प्लस आर कितना है 6 बटे 180 समय 2 वर्ष, है ना। 7500 गुना ये कटेगा 3 आएगा और ये 25 आएगा, आएगा ना। तो 1 प्लस 3 बटे 25, यहाँ कुछ नहीं तो बटे 1 दे सकते हैं स्क्वायर। 7500 गुना ये भी इनका जोड़ हो गया 25 आया, 1 25 25 प्लस 3, 3 था ना, ये 2 होगा। 7500 गुना 25 3 28 बटे 25 का 2, 7500 गुना 28 गुना 28 कितना होगा? गलती हो रहा है क्या? गलती नहीं हो रहा है, यहाँ 50 ना आएगा। यहाँ 50 आएगा, अब 50 3 53, 53 का स्क्वायर 28 09, 28 09 बटे, अब 50 का स्क्वायर 2500, ये 2 0 2 0 कट गया, 25 कहाँ 25 25 दिया 75, ये गुना हो जाएगा 9 3 27 के साथ, बाकी बचा 2, ये 2 आ जाएगा, 8 3 24 के 4, बाकी 2 3 6 2 8 84 27 रुपया, 84 27 रुपया, ये आंसर आ गया। अच्छा ही में और बोन नंबर देख ही लो, क्या है पी बराबर कितना दिया हुआ है 2500 25000 है, और आर बराबर दर कितना है 8%, टी बराबर 3, और निकालना है ए बराबर वाट। ए बराबर पी इंटू 1 प्लस दर बटे 100 समय टी, पी है 25000 गुना 1 प्लस दर 8 बटे 100 और समय 3, ये कटेगा 4 50 3 25, 25000 गुना 1 बटे 1 2 प्लस 2 बटे 25, यही होगा ना 2 बटे 25 पर 3, 25000 इसका लघुत्तम 25 आएगा, 25 प्लस 2, 25000 गुना 25 2 27 बटे 25, 27 गुना 27 कितना आएगा, कितना 27 गुना 27 196 83 बटे 25 गुना 25 625, 625 गुना 25 1500,
15,625 और ये 25,000 गुना होगा। अब कटा दो इसको, इसको 5 से कटाओ, 25, 5,000, इसको 5 से, 5 से 15, 5 का 5, फिर 5 दुना 10, 25, तीस कटाओ, 56, 30, 5 दुना 10, 25, ये 5 से 1,000, ये 5 से 125, और ये 5 से 200, फिर कटेगा 5 से 25, और ये 5 दुना 5 चौके 20, 40 हो जाएगा ना, 5 चौके 20 40, फिर कटेगा 5 से 8 पंचे 40, 25, और कटेगा इसको, इसको गुना करके 5 से भाग लगा देना है तो आएगा 31.49.80। हाँ, इसको इसको गुना कर देना है, फिर 5 से भाग लगा देना है, 31,492.80 आंसर आ गया, समझा? 600 रुपया पर 3 वर्ष के लिए 10% 5 का और में कितना है, 600%, 1,000 है, 600 रुपया पर 3 वर्ष के लिए 6,000 है कि 600 है? वही क्या हुआ, 6,000 हो गया, 6,000 रुपया। तो ए बराबर कितना हो गया, ए बराबर 6,000 रुपया। उसके बाद आर बराबर दर कितना है, 10%, 10%। समय कितना है, समय सर है 3 वर्ष, 3 वर्ष, और क्या है, ए बराबर ना, ए बराबर वाट, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, नहीं चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, मिश्रधन नहीं निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर वाट, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर सूत्र होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर ये पी इंटू 1 + R/100 और -1/T, टी यही होगा, टी ये सूत्र होता है, इससे बिठा दो, पी कितना है 6,000, 1 + R कितना है 10/100, समय कितना दिया 3 वर्ष और -1, समझ रही है, यहाँ किसको समझा रहे हैं, तुमको फिर अलग समझाएंगे, छह हजार सबसे पहले, अरे पहले समझ उसके बाद उतारना है, सबसे पहले किसका काम होगा, छोटे ब्रैकेट का, 10 × 10 = 10 आएगा, 1/1 + 1/10 यही आएगा ना, पर पावर 3 होगा, -1, 6,000 लघुतम कितना 10 + 1 = 3 - 1, 6,000 होगा 10 × 11/10 पर पावर कितना 3 - 1, इसका ही खत्म हो गया क्या, छः हजार 11 × 3 करो, 11 × 11 × 11 तीन बार कितना आएगा, गुना 1331 बटे और ये 10 × 10 × 10 1,000, ये टूट गया, ये क्या, ये पावर 3 टूट गया, अब क्या बचा, -1 बचा हुआ है ना, अब ये ब्रैकेट 6,000 गुना इसका बटे 1, इसका भी वही करना है, लघुतम कितना आएगा 1,000 13 31 - 1 1,000 आएगा, 6,000 गुना 1331 में 1,000 घटा कितना बचा,
331 बटे 1000 घटेगा तो इतने बचेगा ना, 331 ये कट गया, बचा 6, 6 का 6, 6 तीन 18 की 8, बाकी बचा 1, 6 तीन 18 1, 19, 1986 रुपया आंसर है, 1986 है। ठीक है, नोट करो। बोलो, 5 का बो पी बराबर कितना है? 9 बोलेगे तो हम लिख देते हैं अपने से, पी बराबर 4000, आर बराबर 5%, और टी बराबर 2। निकालना है क्या? चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, बोलो सूत्र, पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100। ठीक, इंटू टी माइनस 1, यही होगा सूत्र ना। पी कितना है? 4000, 1 प्लस आर 5 बटे 100, टी कितना है 2 माइनस 1, बढ़ा गया 4000। समझ रहा है ना, पहले समझ लो बाद में उतारना है, उतारने के लिए समय देंगे। बटे 1 आएगा 100, कटेगा ना 20 का 20, 20 पंचे 100, लघुत्तम 20 आएगा, 20 प्लस 1 माइनस 1, 4000 21 बटे 20 का स्क्वायर माइनस 1, 21 गुना 21 कितना आया? 441 आएगा, 441 आएगा, 20 गुना 20 400, माइनस 1 है बटे 1 आ सकता है, आएगा ना, लघुत्तम कितना होगा 400, ये होगा 441 माइनस 400 गुना ये 4000, 441 में 400 घटा कितना बचा, 441 में 41 घटा कितना बचा, 441 में 400 घटा है 41 बटे 400, 401 10 पर 4000 कटेगा, ये 2 0 2 0 कट गया, 4 का 4 4 दाएं की 40, और 41 गुना 10 410 रुपया आंसर आया था, इतना 410। नहीं आया तो उतार लो। नोट करो इसको, घर से बना के आना है। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, हाँ घर से ये हो गया। मिश्र धन ज्ञात करें, ये 3 2 5 5 सवाल घर से निकालना है।